डकैती करते थे, किन किन क्षेत्रों में उन्होंने की है, क्या आपराधिक इतिहास इनका? ये गैंग है जो कि मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर के अभियुक्तों का है, और ये अभी तक पिछले 1.5 महीने में इन्होंने मेरठ में 1, मुजफ्फरनगर में 2, शामली में 2 और सहारनपुर में 2 लूट व डकैती की घटनाओं का अंजाम दिया है। और इसमें पूर्व में इनके 2 साथी हैं, वो पूर्व से पुलिस ने जेल भेजे थे, और ये जो कल एक अभियुक्त था कुर्बान, वो पुलिस की गोली लगने से घायल भी हुआ था, उन्हीं के पूछताछ में इन लोगों का नाम सामने आया था, जिसमें कि आज ये अभियुक्त पकड़े गए हैं। पकड़े गए अभियुक्तों से भारी मात्रा में सोने और चांदी के गहने बरामद हुए हैं और भारी मात्रा में शस्त्र बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया कि इन्होंने करीब 1.5 महीने पूर्व इमरान नामक जो युवक है, इसमें वो इसका मास्टरमाइंड है, उसने जबरेड़ा जो कि रुड़की में पड़ता है वहाँ पर इन्होंने एक कमरा किराए पर लिया और उसको अपना बेस बनाया। उद्देश्य यह था कि क्योंकि वो प्रदेश उत्तर प्रदेश से बाहर था, इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस इनका पीछा नहीं कर पाएगी, ये सोच के इन्होंने वो वहाँ पे कमरा लिया और वहाँ पर ये लोग रहने लगे। वहाँ से ये घटना करने के लिए निकलते रात में, और जहाँ इनके जानकारी के लोग हैं वहाँ से मुखबिरी करने के पश्चात ये घर तय करते थे। घर तय करने के बाद ये बाहर के जंगलों में या कोई ईदगाह या मदरसा, जहाँ भी कोई निशाना होता था वहाँ पर ये इकट्ठा होते थे, और वहाँ पर इकट्ठा होने के बाद ये जंगल से अपनी मोटरसाइकिलें वहीं पे छोड़ते और ये घरों के आसपास जाके वहाँ डकैती करते थे। इसमें इनका जो मेन मोडस ऑपरेंडी था वो ये था कि ये जाकर वहाँ पर किसी भी व्यक्ति जो बाहर सो रहा होता उसको पूछते थे खाने के लिए, और खाने पर पूछने पर वो उद्देश्य यह था कि कोई व्यक्ति डर के मारे ना उठे, बल्कि ये अपना ये बताते थे कि मैं भूखा हूँ और मुझे खाना चाहिए और मैं भटक रहा हूँ। इस पर जो व्यक्ति उठ के खाने के लिए इनको ले जाता था, तो खाने पर ले जाने के दौरान ये उसको बंधक बना लेते और फिर धीरे घर में जो भी अन्य लोग थे उनको भी बंधक बना लेते और फिर घर में ये चोरी चकारी लूटपाट करते थे। ये इनके ऊपर पुलिस काफ़ी समय से निगाह रखी हुई थी। ये चारों पांचों अभियुक्त जो पकड़े गए हैं ये इनामी अभियुक्त हैं, और इन चारों पर 25,000 का इनाम भी है। इनसे भारी मात्रा में असलाह बरामद हुआ है, पूर्व से इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है, और इनमें से 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 से अधिक घटनाएँ पूर्व में कारित की हैं, और इसमें 1 अभियुक्त अभी इनके गैंग का फरार है और उसकी भी तलाश की जा रही है, और 2 अन्य घटनाओं में लोग सामने आए हैं उनकी भी पुलिस तलाश कर रही है। शीघ्र ही उनकी भी कार्रवाई कर उनको भी सलाखों के पीछे किया जाएगा। सर, जो लूटपाट करते थे जैसे मोटरसाइकिल और अन्य चीज़ें, वो कहाँ पर सेल आउट करते थे, कहाँ भेजते थे लोग, क्या उनकी भी कोई जानकारी मिल पाई अभी? जो जबरेड़ा में इन्होंने कमरा लिया है, ये घटना करने के लिए वहाँ से निकलते थे और घटना करने के बाद सभी लोग अलग अलग दिशाओं से वहीं कमरे में पहुँचते थे जहाँ पर कि ये अपना सामान का वितरण करते थे। जो इन्होंने घरेलू सामान भी कुछ चोरी किया था, जैसे कि गैस सिलेंडर चोरी किया इन्होंने मेरठ से, इन्वर्टर चोरी किया देवबंद से, LED TV चोरी किया था इन्होंने, लूटा था थाना भवन से, वो भी ले जाकर इन्होंने वहाँ कमरे में रखा और उसको कमरे में इस्तेमाल करने लगे अपने। वहाँ से पुलिस ने जब सूचना मिली तो इनके पीछे पुलिस लगी थी और इस पर ये घटना का अनावरण किया, और इनसे जो अन्य साथी फरार हैं उनकी भी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। हथियार मिला है, तमंचे और मस्कट, ये कहाँ से खरीदे, इनकी भी कोई जानकारी? जो इनके पास से 2 मस्कट, 2 तमंचे और 10 से ज़्यादा कारतूस मिले हैं, उनकी इन्होंने कुछ लोगों का नाम बताया है जिनके संपर्क में थे, जिनसे इन्होंने खरीदारी की है। पुलिस टीमें उनके पीछे लगी हैं और शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इसके लिए इनाम दिया जा रहा है देवबंद पुलिस को, आपकी तरफ से डीआईजी साहब? इसमें SP ग्रामीण सागर जैन के नेतृत्व में CO देवबंद और इंस्पेक्टर देवबंद के साथ ही स्वाट टीम और सर्विलेंस टीम लगी थी। ये पूरी टीम ने बहुत अच्छा कार्य करते हुए बहुत तेजी से घटना का अनावरण कर काफ़ी भारी संख्या में कारतूस, असलाह और गहने बरामद किए हैं। इस पर पूरी टीम को आदरणीय DIG महोदय की तरफ से 50,000 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है। साथ ही जो 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं, चारों पर 25,000 का पुरस्कार था, इनाम था, वो भी इस टीम को दिया जा रहा है। ठीक है। फिर 1:05 की रात को अलियारपुर मंसूरपुर में की थी, मुजफ्फरनगर में। फिर 10 की रात में डेहरा में की थी, देवबंद में। फिर 16 की रात में बनवाड़ा मुजफ्फरनगर में की थी, फिर एक की थी 22 की रात में नोजली में, ये शामली में है, और एक ग्राम जंदेड़ी में भी की थी उसी रात में। नोजल बोलते हैं वैसे, नोजल है वो। अच्छा, नोजल और जंदेड़ी, ये 2 जगह थी शामली, जंदेड़ी शामली वाली में नहीं, दोनों शामली में, जंदेड़ी में, जंदेड़ी में, वहां जाके नोजल।
लिख दिया नौ मार्च की सबसे छुट्टी थी।